न्याय की आस में धर में बैठी महिला को अब तक नहीं मिल पाया है न्याय। महिला का कहना है खैरागढ़ में न्याय सिर्फ आर्थिक राजनीतिक तौर से मजबूत व्यक्तियों के लिए है, बाकी मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोगों के लिए न्याय की आस करना मूर्खता है। जीता जागता उदाहरण है, तस्वीर में देख रहे हैं महिला, यह महिला सालेवार क्षेत्र के सहसपुर पंचायत की निवासी है। पति के गुजर जाने के बाद पाई पाई जोड़कर पीड़ित महिला शासकीय भूमि में घर बनाकर रहने लगी थी, जैसे ग्राम के अन्य नागरिक रह रहे हैं। पर ग्राम पंचायत सहसपुर के कुछ लोगों द्वारा आपसी रंजिश के चलते महिला द्वारा बनाए गए शासकीय भूमि के घर को तोड़ दिया गया, जिस बाद महिला द्वारा अपनी पीड़ा व आर्थिक स्थिति का बखान करते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से लिखित आवेदन कर आर्थिक सहायता के लिए मांगी गई थी, जिस बाद पीड़ित महिला को मुख्यमंत्री सचिवालय व जन चौपाल से डाक पोस्ट के माध्यम से उक्त महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करने संबंधित पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र प्राप्त हुए काफी दिन बीत जाने के बाद भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होने पर महिला द्वारा दोबारा अनुभागीय अधिकारी कार्यालय छुईखदान व खैरागढ़ के सीजी जिला कलेक्टर को लिखित आवेदन कर आर्थिक सहायता के लिए मांग किया गया, जिसके बाद भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होने पर महिला अपना सब्र खो बैठी और भूखे प्यासे खैरागढ़ कलेक्टर परिसर के मुख्य द्वार पर मुझे न्याय चाहिए की तख्तलिए धने पर बैठी है। तीन दिन बीत जाने के बाद भी खैरागढ़ के सीजी कलेक्टर पीड़ित महिला के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। पीड़ित महिला से मिलना भी जरूरी नहीं समझ रहा, परंतु उनके लिए जरूरी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में चल रही फिल्म शूटिंग थी, जिसको देखना उनके लिए ज्यादा जरूरी हो गया था। वो फिल्म शूटिंग देखने के लिए चले गए। इधर धरने पर बैठी महिला का कल दोपहर में स्वास्थ्य बिगड़ गया, तब महिला के परिजनों ने शासकीय एम्बुलेंस बुलाकर खैरागढ़ के सिविल अस्पताल में महिला को भर्ती कराया है, जहां महिला के स्वास्थ्य में सुधार न होने पर भी महिला को राजनंदगांव पिंडरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महिला न्याय की तख्ती लिए न्याय की आस में अभी भी वहां पे अपनी जज्बा बनाई हुई है। पीड़ित महिला का सबसे ज्यादा स्वास्थ्य भूखे प्यास रहने की वजह से हुआ है। जब से स्वास्थ्य बिगड़ा है तब से आज तक खैरागढ़ के हिटलर प्रशासन द्वारा महिला की सूद तक नहीं ली जा रही है। महिला का स्वास्थ्य बिगड़ा तब महिला के समक्ष ना तो कोई पुलिस थी और ना ही उक्त महिला को अस्पताल ले जाने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी थे। इसके बावजूद भी महिला वहां पे डटी रही, तब जाकर के उनके परिजन उसे अस्पताल लेकर गए हैं और अभी भी महिला अपने न्याय पालने के लिए आस लगाई बैठी हुई है। हालांकि उसे अस्पताल मिला चल रहा है, किंतु वह अपना तख्ता नहीं छोड़ रही है।